अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा सिविल हॉस्पिटल तराना में एक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में जिला उपाध्यक्ष जगदीश नरवरिया, जिला महामंत्री सागर सिंह चौहान की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुई। वहीं सागर सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा वचन पत्र के वचन में जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए जन स्वास्थ्य रक्षकों के सर्वे के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों में हर्ष व्याप्त। संगठन की ओर से जन स्वास्थ्य रक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष भैरूलाल प्रजापति द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जी आप बताइए, आप यहाँ एकत्र हुए किस उद्देश्य से हुए? आज मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के तत्वाधान में तराना ब्लॉक के सभी जन स्वास्थ्य रक्षक को यहाँ पर बैठक के लिए बुलाया गया और इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। जी इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो तत्कालीन सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने जो जन वचन पत्र में दिया था कि जन स्वास्थ्य रक्षक को स्वास्थ्य विभाग की पहली कड़ी में जोड़ने के लिए जो सर्वे कराया उसके लिए सरकार का धन्यवाद। हम सभी जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन उज्जैन जिले की तरफ से धन्यवाद देते हैं और सरकार के जो सार्थक पहलू पे आज हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया जी और वहाँ के न्याय कलेक्टर साहब महोदय ने मिलकर जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रेरक के रूप में तैयार करने के लिए जो करा, उस विषय को लेकर हर तराना ब्लॉक और उज्जैन जिले के 6 ब्लॉक में हम बैठक कर रहे हैं। जी जी, तो क्या आप स्वास्थ्य विभाग में अपनी प्रेरक के रूप में भूमिका निभाने वाले हैं? हाँ, हम स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रेरक के रूप में भूमिका निभाने के लिए सभी तन मन से तैयार है और राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरा सहयोग करेंगे। जी आपका नाम? कमल सिंह प्रजापति। जी जी, आप क्या, आपका क्या दायित्व है? तहसील ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष। अच्छा जी, आपने इस बैठक के लिए क्या तैयारी की? ये हम आज बैठक रखी जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन मध्य प्रदेश की तरफ से, जिसमें 50-50 प्रेरक बनाने का जो किया है उसके उद्देश्य से रखी थी और उसमें सभी 50 व्यक्ति हमने नोट कर लिया आज और उनको सबको जो जो दायित्व है उनको समझाया। और आज मीटिंग में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीएल प्रजापति जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, जिले के महामंत्री जी सागर सिंह जी और सभी मिलके हमने जो भी आगे से निर्देश हुआ उसका कार्यक्रम का पालन करते हुए अवगत करवाया। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।